आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं तिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 55% युवाओं का टीकाकरण हुआ पूरा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सिख गुरुओं का ऋणी है देश। देश में एक से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू, विशेषज्ञों ने कहा सतर्कता बढ़ाने की जरूरत। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय ने घरेलू फर्मों से लक्ष्य से ज्यादा की खरीदारी, 65.50% आधुनिकीकरण कोष का इस्तेमाल घरेलू खरीद पर हुआ। राज्य सरकार पत्रकारों को देगी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, 3 लाख रुपए तक के कवर को मंजूरी। उच्च शिक्षा की राह करोड़ा नहीं बनेगी भाषा, छात्रों को अपनी मातृभाषा में भी उपलब्ध होंगे पसंदीदा कोर्स। इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा पहली नजर में नहीं तय हो सकती चिकित्सकीय लापरवाही, पर्याप्त सबूत चाहिए। जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का हो उल्लेख, विशेषज्ञ बोले लोगों को भ्रमित कर रही स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग। लॉन्च ही प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों में से आखिरी वगशीर कई खूबियों से है लैस। जहांगीरपुर में बुलडोजर पर बोले दुष्यंत दवे, पहले कभी दंगे के बाद नहीं हुई ऐसी कार्यवाही, एक समुदाय को किया जा रहा टारगेट। भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश के आसार। अहमदाबाद पहुंचे बोरिस जॉनसन, ढोल नगाड़े बजाकर किया गया स्वागत। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का कार्ड, सोनिया गांधी का पार्टी के संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर के बाद तेज हुई सियासत, जहांगीरपुरी पहुंचे ओवैसी को पुलिस ने वापस लौटाया, बीजेपी बोली पैदा करने की कोशिश। कर्नाटक में दंगाइयों के खिलाफ होगी दिल्ली जैसी कार्रवाई, गृह मंत्री आराग ज्ञानेंद्र दिए संकेत। कौशाम्बी में पुलिस को मिली सफलता, हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार हुआ बरामद। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 घायल, हादसे में 2 की हालत नाजुक। रायबरेली में जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिद्धार्थनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 अस्पतालों को किया गया सीज, उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव की अगुवाई में की गई छापेमारी।
बलिया में शिक्षिका की सराहनीय पहल, बच्चों के लिए बनवाई ड्रेस, एक साल पूरे होने पर बच्चों को दी जाती है कपड़े, कॉपी और पेंसिल। अमेठी में विकास के पथ पर काम, ग्राम प्रधान का सराहनीय काम, ईमानदारी से किया है ग्राम प्रधान के गांव का विकास। कुशीनगर में महिला जागरूकता शिविर कार्यक्रम, योजनाओं के बाद में महिलाओं को बताया गया, महिलाओं की शिकायतों का हुआ समाधान। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी पुलिस मामले की जांच में जुटी, इस दौरान एसएसपी मुनिराज और कविनगर थाने का पुलिस बल मौके पर रहे मौजूद। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में आपसी विवाद में दो महिलाओं ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती, दोनों की हालत गंभीर। गाजियाबाद में स्कूल बस से छात्र की मौत का मामला, गुस्साए परिजनों ने NH-58 पर जाम लगाया, पुलिस पर प्रिंसिपल को छोड़ने का आरोप। बसपा मुखिया मायावती की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बुलडोजर से प्रभावित ना हो गरीब। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी का एक और बड़ा एक्शन, बाराबंकी के असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया निलंबित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, 100 दिनों में हर हाल में चालू हो जाए सभी ग्राम सचिवालय। देश में भीषण गर्मी के बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने तालाबों को 30 अप्रैल तक भरे जाने के दिए आदेश। औरैया में आग की लपेट से गेट के कट्टर हटाते हुए दिखे एसपी, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर हुआ वायरल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने पिता की अस्थियों को वैदिक रीति रिवाज से गंगा में विसर्जित किया। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले दिन प्रतिदिन बढ़ रहा अपराध, माफिया की पुलिस और शासन से मिली भगत। मेरठ की ऐतिहासिक नगरी हसनापुर जल्द बनेगा नेचर क्षेत्र, असाध्य रोगों का जड़ी बूटियों से होगा इलाज। आजम खान से अखिलेश की दूरी के बीच में जयंत चौधरी पहुंचे रामपुर, अखिलेश बोले मैं जयंत को नहीं भेजा। हेमवती नंदन बहुगुणा के विरोध में इंदिरा गांधी ने 34 सभा की थी, सांसद रीता जोशी की पुस्तक में है जिक्र। गोरखपुर में जल्द शुरू होगा मेट्रो का काम, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भेजा गया प्रस्ताव। निगम के कर निरीक्षक निलंबित, कई का वेतन रोका, चेक बाउंस होने पर नगर आयुक्त ने की कार्रवाई। स्मार्ट मीटर में एक महीने का बिजली खर्च, मात्र 3 यूनिट जांच करेगी बिजली विभाग। दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, बनाया था आलिशान फार्म हाउस।
पैटर्न से होगा यूपी बोर्ड परीक्षा, 10वीं के 2023 और 12वीं के 2025 से होगा लागू, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कोविड-19 की चौथी लहर से घबराए नहीं, प्रोटोकॉल का रखे ख्याल, यूपी की स्वास्थ्य सलाहकार समिति ने दी सलाह। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अयोध्या में 4 महीने पहले ही तैयार हो जाएगा रामलला का मंदिर। यूपी के हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट कॉलेज या एकेडमी, योगी सरकार बनाने जा रही अलग खेल नीति। एटीएस ने स्टेन गन के साथ 4 असलाह तस्करों को दबोचा, बिहार और दिल्ली से भी जुड़े गिरोह को तार। सस्पेंस खत्म, चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग हुई विकराल, 3 दिन से धधक रहे लैस्ट डॉन के जंगल, तस्वीरों में देखे सुलगते पहाड़। उड़के जलालपुर पथराव में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी दिनचर्या, अधिकांश दुकानें खुली, स्कूलों में भी चहल पहल। पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर, जीपीएस लगाने की बाध्यता समाप्त, परिवहन मंत्री ने निरस्त किए निर्देश। कुर्की जलालपुर पथराव में फरार 7 आरोपितों पर 10,000 का इनाम, कुर्की की तैयारी, अब तक 14 गिरफ्तार। भीषण गर्मी और पर्यटन सीजन में नैनीताल झील का रोज 1 इंच घट रहा जलस्तर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्णय को हर दस सा रहा, कहा इसे क्रियान्वित करते हैं तो वह उन्हें शाबाशी देंगे। बापू की प्रतिमा के आगे कांग्रेस ने की सर्वधर्म प्रार्थना, कहा देश की सामाजिक समरसता को खंडित करने का रचा जा चुका कुचक्र। उत्तराखंड में चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी का विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं में निर्माण कार्य की पकड़ी रफ्तार, 26 दिन में 1.012 किलोमीटर सुरंग तैयार, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। उत्तराखंड में एक त्रुटि के कारण नहीं हो पा रहा ग्रीन सेस के। बेटे को स्मैक के साथ और भाई बहन नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए। पौड़ी में न्यायालय के आदेश पर 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 28 फरवरी को पीजी संचालक और डॉक्टरों के बीच हुई थी मारपीट। माफिया यशपाल तोमर की बुलेट प्रूफ कार सहित 5 वाहन सीज, एसटीएफ जनवरी में गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के नाम पर बनाया फर्जी ट्रस्ट, 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बाद अब शहबाज सरकार पर भी संकट के बादल, सहयोगी पार्टियों से मतभेद की आशंका। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे सरकार के सहयोगी दल। शहबाज शरीफ बोले, कर्ज में डूबे पाकिस्तान को बचाना है नई सरकार का काम। संभावित खतरे को लेकर खाली कराए गए यूएस कैपिटल के बाद में पुलिस बोली, कोई खतरा नहीं। रूस ने एक दिन में दागे 1000 गोले। स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500 यूक्रेनी सैनिकों का हथियार डालने से इनकार। मॉस्को ने किया नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। पुतिन बोले, ये दुश्मनों को दो बार सोचने पर कर देगी मजबूर। विश्व बैंक की रिपोर्ट से खुलासा, पाकिस्तान की 34% आबादी की रोजाना कमाई मात्र 586 रुपए। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस में हो रही मरीजों को दिक्कत, मेडिकल इक्विपमेंट्स की हो रही कमी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले के दूसरे दिन 3,57,00,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। ईपीएफओ से फरवरी में जुड़े 14 लाख से ज्यादा सदस्य, जनवरी के मुकाबले 31,826 सदस्यों की वृद्धि। नितिन गडकरी बोले, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना है महत्वपूर्ण। दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने की ओर भारत, हर साल निर्यात में $5 अरब से अधिक की बढ़ोतरी। स्नैक्स से होगी बंपर कमाई, बच्चों को नहीं बड़ों की खास पसंद। स्मॉल स्केल पर बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए खास आइडिया। बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। एनएस के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयर में कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लाभार्थी थे। भारत का गैर बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 109% बढ़ा। केंद्र ने ड्रोन पीएलआई योजना के तहत अस्थायी रूप से 14 फर्मों का चयन किया। एनआईटीईएस ने इंफोसिस की शिकायत श्रम मंत्रालय से की। कर्मचारियों के करारा शर्तों के खिलाफ श्रम मंत्रालय में शिकायत दर्ज की शिकायत। महामारी के बावजूद हिमाचल के राजस्व संग्रह में 19% की वृद्धि। रॉबिन उथप्पा के लिए खास है मुंबई के खिलाफ मैच, गेल को छोड़ सकते हैं पीछे। मधुमक्खियों ने कर दिया मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर हमला, टीम से सभी खिलाड़ियों ने अपने आप को बचाने का उपाय निकाला।
सचिन सहित दिग्गजों ने की पोलार्ड के संन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया। गेल बोले, हमें पहले विश्वास नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की टॉप फाइव खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हुए नामित। बीसीसीआई ने बदला दिल्ली वर्सेज राजस्थान के मैच की जगह, पुणे नहीं मुंबई में होगा मुकाबला। आईपीएल 2022 के बीच में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। पंजाब पर शानदार जीत से दिल्ली को फायदा, गुजरात टॉप पर कायम। दिल्ली की पंजाब पर जीत के बाद अंक तालिका में हुआ बदलाव। नीदरलैंड्स के कोच कैम्पवेल कोमा से बाहर, हार्ट अटैक के बाद से आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश के पूर्व स्पिनर मुशर्रफ हुसैन का 40 की उम्र में निधन, पूरे करियर में चटकाए 576 विकेट। हार के बाद नाराज दिखे पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल, बोले इस मैच के बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना। काजल अग्रवाल ने बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट, लिखा मां बनने का अनुभव ग्लैमरस नहीं मगर बहुत खूबसूरत है। पहले हफ्ते में केजीएफ 2 का धुआंधार प्रदर्शन जारी, सबसे कम समय में 250 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड। सिनेमा घरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर 6 मई से देख सकते हैं ये फिल्म। जयेश भाई जोरदार के ट्रेलर को लेकर सामने आया रणवीर सिंह का रिएक्शन, एक्टर है सातवें आसमान पर। मंदाना करीमी ने रिश्ते में धोखा देने वाले डायरेक्टर पर दिया रिएक्शन, कहा वे अनुराग कश्यप नहीं है। रणबीर कपूर की 11 साल की भांजी समारा साहनी ने कपूर फैमिली में मामी आलिया भट्ट का खास अंदाज में किया स्वागत, लिखा प्यारा सा नोट। केजीएफ चैप्टर 2 स्टारर यश दीपिका पादुकोण के साथ करना चाहते हैं हिंदी फिल्म में काम। हिंदी में टीवी पर प्रीमियर के लिए तैयार प्रभास पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम। अक्षय कुमार ने तंबाकू ब्रांड से जुड़े उत्पाद कैट से खुद को किया अलग, फैंस ने एक्टर की तारीफ करते हुए कहा सच्चा हीरो। समंता के साथ विजय देवरकोंडा ने साइन की अगली फिल्म, कश्मीर में शुरू होगी शूटिंग। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।